हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पर्मेटोजेनेसिस और पूजेनेसिस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, स्पर्मेटोजेनेसिस, जूजेनेसिस और ब्रॉड टर्म में बोलें तो गैमेटोजेनेसिस एक्सपेक्टेड रहता है, आता है। ठीक, तो इसको टॉपिक को आराम से पढ़ते हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। ऊजेनेसिस थोड़ा सा आप लोग के लिए मतलब ध्यान देने वाला है। तो गैमेटोजेनेसिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवेरीज इन द फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हम लोग किन सेक्स ऑर्गन्स को बोल रहे हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स को बेसिकली दो में बांट दिया, दो कैटेगरी कह लीजिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं इन विच गैमिट्स आर प्रोड्यूस, गैमिट जिसमें बनेंगे ऑर्गन्स में उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मेल के केस में टेस्टिस में बन रहे हैं और फीमेल के केस में ओवेरीज में बन रहे हैं। मेल के केस में गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल के केस में गैमिट को हम ओवम बोलते हैं, इसलिए स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनने का जो प्रोसेस है उसको ओओजेनेसिस, और कंबाइंडली इन दोनों को हम गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग, गैमिट को प्रोड्यूस करना गैमिटोजेनेसिस। ठीक है जी, स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना ओओजेनेसिस। ये हो गया आपको इस स्लाइड के बारे में जानकारी, अगले पे चलता हूँ। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे मेल गैमीट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, द प्रोसेस बाय विच मेल गैमीट इज फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस, द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स और प्राइमोर्डियल सेल्स क्या कहला रही है? स्पर्मेटोगोनिया, ये प्लूरल है, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है। तो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय मींस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल गैमीट का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमीट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है किससे? स्पर्मेटोगोनियम से, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी, और जो प्यूबर्टी पे चालू होगा। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो एज है एट विच द ऑर्गेनिज्म अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। हम लोग जानते हैं बच्चा पैदा होते ही रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं होता, पोटेंशियली वो केपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस कर सके। तो वो ड्यूरेशन, वो टाइम अपने उसकी लाइफ साइकिल का, जब वो उसके लाइफ स्पैन का साइकिल, उसके लाइफ स्पैन का पीरियड टाइम, जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा भाई, प्यूबर्टी द एज एट विच ऑर्गेनिजम्स अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और बिकम रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, उस एज को हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो प्यूबर्टी, जब बच्चा जो है कहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो गया, उसको हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में प्यूबर्टी पे चालू हो जाएगा। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है? टेस्टिस में, और टेस्टिस का कट सेक्शन देखेंगे तो टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना है। टेस्टिस में खूब सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और उन ट्यूब्यूल्स में आपको स्पर्मेटोगोनिया इनर साइड वॉल पे मिलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। मल्टीप्लाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, ये अपना नंबर, भाई आप कट सेक्शन देखेंगे तो क्यूबॉइडल सेल्स आपको इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल पे मिलेंगे। ये अपना नंबर बढ़ाते हैं, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, 16 नंबर अपना बढ़ा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, वेयर एज मियोसिस डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में जो संतति बन रही है, जो डॉटर सेल्स बन रही है, उसका डीएनए अपनी पेरेंट सेल के डीएनए का ही कॉपी होगी,
वेरिएशन नहीं आते माइटोसिस डिवीजन में। माइटोसिस डिवीजन में जो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है वही डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा सेम, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम रहेंगे, डीएनए अमाउंट भी सेम रहेगा और डीएनए का आप कहिए कि कॉन्फिग्रेशन भी सेम रहेगा माइटोसिस में। तो पहले इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया माइटोटिक सेल डिवीजन से, इंक्रीजेज नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनियो इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब है कंटेनिंग टू जीनोम, टू एन का मतलब एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जीनोम, जीनोम और टू का मतलब कंटेनिंग टू जीनोम। जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जीनोम क्या है, कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम का। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 हमें हमारे फादर से मिले, 23 हमारे हमारी मदर से मिले। तो ये 23 का पूरा एक सेट है जो हमें हमारी मदर से मिला, वो सिंगल जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा। इसी तरह से 23 का एक सेट जो हमें हमारे फादर से मिला वो एक जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल जीनोम को। तो मल्टीप्लाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स, ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, हर स्पर्मेटोगोनिया जो है डिप्लॉयड है और उसमें 46 क्रोमोसोम है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब ये देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम प्लूरल स्पर्मेटोगोनिया थे क्यूबॉइडल शेप के, उन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, डिवाइड हुए और उनमें से कुछ ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। थोड़ी उन्होंने ग्रोथ करी और वो मॉडिफाई हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो स्पर्मेटोगोनिया या हम बोलें स्पर्मेटोगोनियम, ये भी डिप्लॉयड था और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉयड है। अब ये मियोसिस डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे मियोसिस डिवीजन होगा। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि वो आपको दे देगा चार सेल दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी सेल डिप्लॉयड और कौन सी सेल हैप्लॉयड है। तो आप देख लीजिए स्पर्मेट प्राइमरी जर्म मॉडल सेल वो भी डिप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया वो भी डिप्लॉयड है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, वो हैप्लॉयड होंगी। ये बात आप याद रखिएगा कि मियोसिस डिवीजन की शुरुआत या मियोसिस डिवीजन होना कहाँ से चालू हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड नेचर की है, लेकिन जब इसमें मियोसिस होगा तो मियोसिस वन जब कंप्लीट होगा, मियोसिस आप जानते हैं कि दो फेज में होता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली गिव राइज टू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉयड होंगे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 46 है उनमें 23 हो जाएगा, केवल एक सेट होगा, एक जीनोम होगा। तो दो स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, दो डॉटर सेल बनेंगी जब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा। ये बात खूब पूछी जाती है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में या एक जगह लिख लीजिए। देखिए आप आज की तारीख में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और नीट एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि डेट तो अनाउंस हो गई है कि भाई 12th ऑफ सितंबर है, लेकिन क्या भरोसा कोरोना का, आप 12th ऑफ दिसंबर 50 डेज 60 डेज हैं आपके पास। तो आप जो भी टॉपिक आज से पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें कि भाई ये टॉपिक हमने जो 3 पेज का टॉपिक पढ़ा है उसको कंसाइज कर लीजिए, उसका निष्कर्ष एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए और उसके आपको जो मिलेंगे नियर अबाउट 12 to 20 आपको पॉइंट्स हाईलाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप अब उसको टाइमली रिवाइज करते रहिए समय समय पे। अगर आज आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और ओ जेनेसिस पढ़ा है तो एक दिन बाद द डे आफ्टर टुमारो आपको यू शुड गो थ्रू द कंसाइज हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर, आप टॉपिक आपको इसको फिर से फॉलो कर लेना है। तो पूरा फिर से पढ़ने बैठेंगे तो आपका कोर्स ही नहीं पूरा होगा। आप हाईलाइट पॉइंट चुन लीजिए, उनको लिख लीजिए, केवल उनको पढ़ लीजिए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो हाईलाइट पॉइंट है कि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होना चालू हुआ, मियोसिस वन कंप्लीट हुआ, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब इसके आगे जो भी सेल्स बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्म बनेगा, वो हैप्लॉयड ही रहेगा। इसके आगे की सारी सेल्स हैप्लॉयड ही रहेंगी, ठीक है। ये कैच था, इसको आगे बढ़ता हूँ मैं, समझ गए अब आप।
मियोसिस में, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में एंटर हो गया। तो देखिए प्यूबर्टी एज आई, स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी एज तक उसने अपना नंबर बढ़ाया, प्यूबर्टी एज आई उसने माइटोसिस किया, नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाने के बाद स्पर्मेटोगोनिया ने प्यूबर्टी पे अपना नंबर बढ़ाया, उसके बाद नंबर कैसे बढ़ाया, माइटोसिस डिवीजन से, उसके बाद डिफरेंशिएट हो गई भाई सभी सेल्स, आलू आप काटते चले जा रहे हो, आलू बोते चले जा रहे हो, आलू ही बन रहे। अब आलू में से एक कद्दू बन गया, तो ये जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर बढ़ाया, ये ट्रांसफॉर्म हुई, मॉडिफाइड हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, डिफरेंशिएट हो गई, डिफरेंशिएशन हो गया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। तो ये लाल वाले सारे आलू मतलब स्पर्मेटोगोनियम, अब उसमें से क्या बन गई, ये बन गई हमारी कौन सी जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब ये लाल से नीली हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, उसने इसीलिए अलग अलग कलर के बना दिए कि सेल थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हुई, मॉडिफाइड हुई, अभी ये डिप्लॉयड ही है, अब ये इसमें पहला मियोसिस डिवीजन हुआ और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, ये हैप्लॉयड है, ये आपकी बुक का डायग्राम है, ये हैप्लॉयड है, अब इसमें मियोसिस टू होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, ध्यान से सुनो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन के द्वारा जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, ठीक है, अब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू में एंटर हो जाएंगे, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस टू में एंटर हो गए, ठीक है जी। ये है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड था, मियोसिस वन हुआ, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस टू होगा और ये बन जाएंगे स्पर्मेटिड, ये भी हैप्लॉयड ही होंगे और स्पर्मेटिड मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉयड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। टू इक्वल हैप्लॉयड सेल्स बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, जैसा कि यहाँ पे अभी आपको मैंने भाषण दिया, विच हैव ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 23 नंबर सिंगल जीनोम, 23 नंबर क्या है, एक सेट है जीनोम है, तो टू उसमें हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड थी, दो सेट थे, अब इसमें एक सेट हो गया, ओनली 23 क्रोमोसोम। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन मियोसिस टू में एंटर हो जाएगा एंड प्रोड्यूस फोर इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड। तो दो बने थे, एक के दो, दो का चार, एक से बने दो, अब ये दो फर्दर अलग अलग मियोसिस टू में एंटर हो गए, इससे फिर दो और इससे फिर दो, तो टोटल इन ऑल एक स्पर्मेटोसाइट, एक हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड बन गए, क्लियर, नहीं भटक गए कोई बात नहीं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ध्यान से सुन लीजिए, फिर से आप पूछे जाते हैं यहीं से क्वेश्चन, देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस वन हुआ, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए मियोसिस वन, अब ये मियोसिस टू में एंटर हो गए और इस एक सेल से फर्दर दो और इस एक सेल से फर्दर दो, तो टोटल इन ऑल यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ तक ये टोटल मियोसिस एक मियोसिस है, मतलब पूरा मियोसिस है, कंप्लीट मियोसिस, मियोसिस जो है डिवीजन दो फेज में होता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वन मियोटिक डिवीजन द पेरेंट सेल गिव राइज टू फोर डॉटर सेल, पेरेंट सेल से अल्टीमेटली फोर डॉटर सेल बन गए। भाई आपने जैसे अभी यूरो कप फाइनल देखा होगा, यूरो कप फाइनल में दो हाफ हुए थे, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो टोटल इनऑल अगर आपसे हम पूछें तो आप बताओगे जी इटली ने पेनल्टी शूट आउट से जीत लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था, आप कहोगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ द स्कोर वॉज 1-1, इक्वल स्कोर वॉज 1-1, गोल, वन गोल स्कोर बाय द इटली एंड वन गोल स्कोर बाय द इंग्लैंड, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ द स्कोर वॉज 1-1 टू बोथ, लेकिन अगर टोटेलिटी में आप देखेंगे तो अंत में क्या हुआ, 3-2 से जीत लिया इटली ने। अब वही चीज यहाँ पे मियोसिस वन हुआ, एक की दो सेल्स बनी, मियोसिस टू हुआ, तो मियोसिस वन और मियोसिस टू मियोसिस के ही तो फेस हैं, एक मियोसिस डिवीजन के फेस है मियोसिस वन और मियोसिस टू, तो मियोसिस जब कंप्लीट हुआ है, एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बन गई,
ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे वो पूछे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हाउ मैनी स्पर्मेटिड गेट फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, योर आंसर शुड बी 4। लेकिन अगर आपसे पूछे हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म बाय मीन्स ऑफ डिवीजन मियोसिस डिवीजन इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन योर आंसर वुड बी 2। तो कैच है, जरा सा बात को समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन के द्वारा कितने, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, 4, और अगर आपसे पूछे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, तो 2। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसी तरह से वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बना देते हैं। रट्टा तो आप मार ही लोगे, और रट्टा मारने में बहुत चीज़ें भूल भी जाओगे, तो रट्टा मारने के अलावा चीज़ों को समझ भी लीजिए। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉयड है, इसके नीचे सारे ही हैप्लॉयड रहेंगे और इसके ऊपर सारे डिप्लॉयड हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होता है। स्पर्मेटोसाइट, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन मियोसिस 2 टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दोनों के लिए, अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिखा होता केवल, तो 1 से 2, क्योंकि 2 जो बनी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, वो दोनों में हुआ मियोसिस और 4 स्पर्मेटिड बन गए। What would be the number of chromosome in the spermatid? Answer is 23. Single genome है, 23 number of chromosome होंगे। Human reproduction चल रहा है हमारा, spermatogenesis. The spermatids are transformed, spermatid बन गए। अब ये spermatid transform होंगे किसमें, spermatozoa और sperm. तो spermatid now get transformed into the mature sperm, और mature sperm को हम spermatozoa भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी पूछी जा चुकी है कि वॉट इज सिनोनिम टू स्पर्मेटोजोवा। स्पर्म वो पूछेगा वॉट इज सिनोनिम टू स्पर्मेटोजोवा, कि भाई स्पर्मेटोजोवा का समकक्ष कौन है। अब आपको उसने दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, योर आंसर शुड बी स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजिनेसिस। अब देखिए दूसरा प्रोसेस का नाम आया है, पहला प्रोसेस जो हम लोग पढ़ी रहे स्पर्मेटोजिनेसिस, नाउ द सेकेंड नेम इज, सेकेंड टर्म इज स्पर्मियोजिनेसिस। तो स्पर्मेटोजिनेसिस क्या था, स्पर्मेटोजिनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, 2 टर्म आ गए। यही पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, स्पर्मेटोजिनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मियोजिनेसिस, स्पर्मियोजिनेसिस। तो स्पर्मेटोजिनेसिस और स्पर्मियोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वेयर एज स्पर्मियोजिनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्म एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजिनेसिस। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजिनेसिस, स्पर्मियोजिनेसिस हो गया, ये हमारा स्पर्मेटिड जो है मैच्योर स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। आफ्टर स्पर्मियोजिनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या, अभी आपको बताता हूँ, ये सहायक सेल्स हैं, एसेसरी सेल्स हैं। कहाँ पे मिल रही हैं आपको, सेमनीफरस ट्रिब्यूल्स पे ही मिल रही है, कट सेक्शन सेमनीफरस ट्रिब्यूल का, उसकी इनर वॉल पे ये क्यूबॉइडल सेल्स, और क्यूबॉइडल सेल्स के बीच बीच में आप टॉल कॉलमनर सेल्स देखेंगे जो कि सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, स्पर्म्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब स्पर्म मैच्योर बन गया स्पर्म, वो अपना हेड, आगे देखेंगे हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हेड मिडिल पीस नेक टेल होते हैं, तो हेड अपना इसमें धंसा के यहाँ पे थोड़ी देर वो सर छुपा के, जैसे शुतुरमुर्ग रेत में सर धंसा देता है, वैसे ही स्पर्म अपना हेड इसमें धंसा देगा और थोड़े दिन यहाँ पे मौज काटेगा। स्पर्म्स हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। तीसरा आ गया प्रोसेस, तो एक प्रोसेस था स्पर्मेटोजिनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा था स्पर्मियोजिनेसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्म, एंड नाउ द थर्ड प्रोसेस इज स्पर्मिएशन। एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज होना स्पर्म का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन ये तीसरा टर्म जिसको आपको याद होना चाहिए, तीनों टर्म के नाम और तीनों टर्म कोई वो आपको वहाँ पे दे देगा, पूछेगा कि बताओ कि कौन सा टर्म क्या बता रहा। ठीक है, तो
उसको डिस्क्राइब करने को आपसे पूछा जा सकता। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक बात करी, क्या बात करी, इस पर हम लोगों ने बात करी, तीन प्रोसेस की बात कर ली, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ओके, ये है कट सेक्शन आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का, और इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्म्स देखना है। ये है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल ये डिवाइड हुई, माइटोसिस डिवीजन हुए, नंबर बढ़ाया, उनमें से कुछ ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये भी डिप्लॉयड सेल है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर मियोसिस हुआ, स्पर्मेटिड बन गए, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉयड होंगे, और स्पर्मेटिड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, और इसका रिलीज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, ठीक है जी, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस, तीन टर्म है। ये कट सेक्शन दिखा रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का, और उसमें डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट की हमारे मेल गैमेट की दिखा रहा है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कहाँ कब हुई है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एज 13-40 ईयर फीमेल में और 13-60 ईयर है मेल में। फीमेल के केस में प्यूबर्टी गेन कर लेती है फीमेल, गर्ल वुमेन बन जाएगी 13-14 ईयर्स में, और बॉय मेल बन जाएगा, मैन बन जाएगा, बॉय मैन हो गया 13-16 साल में। ये होती प्यूबर्टी, प्यूबर्टी द अटेनमेंट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी और अटेनमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कौन कर रहा, हाइपोथैलेमस। इसकी टारगेट सेल्स कौन है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो GnRH किसने रिलीज किया, बहुत ध्यान से सुन लेना यहाँ पे वरना भटक जाओगे सब। GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसने एक्ट किस पे किया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेला टर्सिका में सिचुएटेड है, स्फिनॉइड बोन के सेला टर्सिका डिप्रेशन में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको कि हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उसमें एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मिडिल लोब, एंटीरियर लोब जिसको कि हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एंटीरियर लोब से रिलीज होंगे क्या, गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन में दो हार्मोन आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये दोनों ही गोनेडोट्रोफिन कहलाते हैं। इनका हम लोग आगे देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। तो GnRH का सिक्रीशन बढ़ा जब प्यूबर्टी आई, जवान हुआ लड़का, तो दिमाग ने भी काम करना अलग तरह से चालू किया, दिमाग ने रिलीज किया है हाई अमाउंट ऑफ GnRH, सिक्रीशन बढ़ जाएगा, द इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे एक्ट कर रहा, टारगेट सेल उसकी क्या है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग, गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करा रहा, गोनेडोट्रोफिन क्या है और कौन रिलीज कर रहा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है क्या, FSH और LH। अब FSH और LH रिलीज किए किसने, किसने रिलीज किए, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने, FSH और LH। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, क्या तुम्हें याद है, अगर तुम्हें याद हो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ के आए हो, तो भैया ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है GnRH। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन्स, दैट इज द लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टिंग टिंग टिंग, ठीक, क्लियर, ये बातें याद रख लीजिएगा। आगे चलता हूँ अगली स्लाइड पे। LH, अब LH क्या काम कर रहा है और FSH क्या काम कर रहा है। LH एट द लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स क्या, इंटरस्टीशियल स्पेस में मिल रही हैं, इसीलिए इनको हम लोग इंटरस्टीशियल सेल्स भी बोलते हैं, और इंटरस्टीशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स इंटरस्टीशियल स्पेस में मिल रही हैं, और उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, LH, इसलिए LH को हम इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। नहीं समझ में आया, बाउंस हुआ,
अच्छी बात है भाई। सेमिनिफरस टिब्यूल्स कई बार पीछे हमने बनाई हैं। सेमिनिफरस टिब्यूल्स कहाँ पे हैं? टेस्टिस में। टेस्टिस का कट सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको सेमिनिफरस टिब्यूल्स दिखाई देंगी। सेमिनिफरस टिब्यूल्स पे अंदर की तरफ क्यूबॉइडल जर्म सेल्स दिखाई देंगी, उनके बीच बीच में टॉल कॉलमनर सर्टोली सेल्स भी दिखाई देंगी, लेकिन दो सेमिनिफरस टिब्यूल्स के बीच में क्या है? हवा, आग, पानी, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस है, अंतर कोशिकी स्पेस जगह है, उसमें क्या है? वहां पे हमारी लेडिंग सेल्स है, जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। और जो इन सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है उनको इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH भी बोल सकते हैं। तो लूटिनाइजिंग हार्मोन ने किस पे एक्ट किया? लेडिंग सेल्स पे। लीडिंग सेल्स पे एक्ट किया, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने लगे। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पूरा फ्लो चार्ट समझ लीजिए भाई, हुआ क्या? प्यूबर्टी जब आई, हुआ छोकरा जवान है, छोकरा जब जवान हुआ है तो क्या हुआ? प्यूबर्टी एज आई, GnRH का रिलीज हुआ। किन्हें रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। इसने किस पे एक्ट किया? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। उसने क्या किया? एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ने रिलीज किया LH और FSH। LH के टारगेट सेल्स क्या है? लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स कहाँ है? सेमीफ्रेस टिब्यूल्स के बाहर। सेमीफ्रेस टिब्यूल्स के एक टिब्यूल, दूसरे टिब्यूल, तीसरे टिब्यूल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स हैं। लीडिंग सेल्स पे एक्ट किसने किया? LH ने। और लीडिंग सेल्स ने, लीडिंग सेल्स स्टार्ट सिक्रीटिंग एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन विच इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो दाढ़ी मुछे आ जाना, आवाज का भारी हो जाना और भी काम समझ लीजिए आप, वो जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हो गए वो किसकी वजह से हो गए? टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के सिक्रीशन की वजह से हो गए। एंड्रोजन सिक्रीट कौन कर रहा है? एंड्रोजन सिक्रीट कर रहा है लीडिंग सेल्स। तो एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अब चालू हो जाएगा। FSH, ये तो हुआ LH के बारे में जानकारी। FSH क्या कर रहा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ओवर द सर्टोलाई सेल। तो इसको याद रखने का, देखिए LH में L है तो L ने किस पे L एक्ट किया? L पे, लीडिंग सेल्स पे। और FSH में S है, S ने किस पे एक्ट किया? S पे, सर्टोलाई सेल्स पे। एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या था भाई? स्पर्मियोजेनेसिस था स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन मैच्योर स्पर्म में, उसको हम लोगों ने स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस बोला था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे टोटल इन होल का जो है हमारा प्रोसेस, उसका एक स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको कि FSH इन्हांस करवा रहा या स्टिमुलेट करवा रहा या हेल्प करवा। FSH स्टिमुलेट सर्टोलाई सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रीट एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपकी NCERT में नहीं है, ध्यान थोड़ा सा दे लीजिएगा। FSH ने इसके अलावा क्या किया? FSH ने इसके अलावा सर्टोलाई सेल से रिलीज कराया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन को बाइंड करना। एंड्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? लीडिंग सेल्स रिलीज कर रहे हैं। किसके इन्फ्लुएंस से? लूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से। तो लीडिंग सेल्स सिक्रीट कर रही हैं एंड्रोजन, लेकिन लीडिंग सेल्स कहाँ है? सेमिनिफरस टिब्यूल्स के बाहर है। लीडिंग सेल्स जो सिक्रीट कर रही हैं एंड्रोजन, किसके इन्फ्लुएंस में आगे कर रही हैं? लूटिनाइजिंग हार्मोन के। लूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से आ गया? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने रिलीज किया। तो FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रीट एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट कंसनट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफरस टिब्यूल। जो टेस्टोस्टेरोन को कंसनट्रेट कर देगा सेमिनिफरस टिब्यूल में। तो बाहर की तरफ सिक्रीट हो रहा, चाहिए है हमें अंदर। यहाँ लीडिंग सेल्स उसको सिक्रीट कर रही हैं एंड्रोजन को, तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स जो है उन्होंने रिलीज किया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो एंड्रोजन जो बाहर रिलीज हुआ उसको अंदर भी सेमिनिफरस टिब्यूल्स में भी कंसंट्रेट करेगा, पकड़ के ले आएगा, जैसे मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ के लंका ले गए थे वैसे ही ये कर रहा है। FSH acts directly on the spermatogonia to stimulate sperm production। ये भी समझिए आप, ये आपकी बुक की लाइन शायद नहीं है, बाहर से मैंने उठाई है। FSH acts directly on the spermatogonia to stimulate sperm production। तो FSH का रोल किसमें? SH NCERT मेंशन करते ही लास्ट स्टेप में कि स्पर्मियोजेनेसिस, लेकिन FSH एज अ होल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को भी इफेक्ट कर रहा, ये बात ध्यान दीजिएगा। नहीं समझे
रुकिए समझिए, एज सच एनसीईआरटी की लाइन ये है कि एनसीईआरटी बोल रही है आपको एनसीईआरटी को ही अपनी गीता अपना कुरान मानना है, उसी से आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसी से आपकी नैया पार लगेगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ अलग से बातें भी समझ लेनी क्योंकि 4-6 क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग आ जाते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कह रहा है जी स्पर्मियोजेनेसिस को इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रोसेस को इन्हांस कर रहा है। लेकिन साथ के साथ आपने ये डेवलपमेंट भी कर लेना कि FSH स्पर्मेटोगोनिया पे भी एक्ट कर रहा है, डायरेक्टली उसको एक्ट कर रहा है और स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म प्रोडक्शन पे तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म प्रोडक्शन क्या था भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो FSH क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस टोटल प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा। हाँ ये बात अलग है कि लास्ट वाले स्टेप पे वो आके और जैसे कि 50 ओवर के मैच में स्लॉग ओवर्स आ जाते हैं तो आखिरी में मार काट होती है, वही चीज़ या FSH पूरे ही 50 ओवर खेल रहा लेकिन आखिरी में अपना उसका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा कह लीजिए स्पर्मियोजेनेसिस पे, वो और ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस को, क्योंकि NCERT ने इसको हाईलाइट किया। बात समझ में आई, नहीं आई, नहीं आई तो आप इसको पॉज करिए, किसको, मेरे को नहीं बेटा मेरे को नहीं, लेक्चर को पॉज करो, उठो पानी पियो, दो बादाम खाओ, दोपहर के बज रहे हैं 3, थोड़ी देर धूप में बैठो, कोई मिल गया कि जादू की तरह आ आ आ करो और आधा घंटा बाद इस लेक्चर को फिर से देखो, समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा, समझ में आपकी ये आएगा कि NCERT कह रही है कि FSH लास्ट स्टेप पे काम कर रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को हेल्प कर रहा है, जबकि मैंने जो लाइनें जोड़ दी हैं उन लाइनों के हिसाब से ना केवल ये यहाँ आखिरी में आके तो एक्टिव ज़्यादा हो ही रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस प्रोसेस को इन्हांस कर रहा है, लेकिन टोटल इनऑल स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के टोटल प्रोसेस को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसा आपको क्वेश्चन, जैसा सवाल, वैसा जवाब वहाँ दीजिएगा। मैच्योर स्पर्म आफ्टर, ये वाली लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि आगे जब हम लोग वो पढ़ेंगे रिदम मेथड और मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड पढ़ेंगे वहाँ पे ये लाइन आपके काम आएगी। मैच्योर स्पर्म आफ्टर एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ ने डिंग डोंग किया, मेल स्पर्म पहुँच गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, रिमेन्स फाइबर फॉर 24-48 आवर्स। अरे भाई हस्बैंड वाइफ नहीं हो, लिव इन रिलेशनशिप भी तो हो सकती है, उस पर ना फोकस लगाओ, उस पर ना अटको, आगे बढ़ो, मतलब प्रोग्राम होने के बाद, सेक्सुअल एक्ट होने के बाद, सीधी सी बात, मैच्योर स्पर्म कितनी देर तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वाइबल बना रहेगा, 24-48 आवर्स, मतलब 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उसको उसका साथी मिल गया तो फ्यूज़न हो जाएगा, फीमेल गैमीट उसको मिल गया 24 से 48 घंटे में तो फ्यूज़न हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, वेयर एज फीमेल गैमीट रिमेन्स वाइबल फॉर 24 आवर्स 1 डे और से आप 24-36 आवर। तो ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मेल गैमिट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 24 से 48 घंटे तक वाइबल रहता है और फीमेल गैमिट 24 से 36 घंटे तक वाइबल रहता है, मतलब फीमेल गैमिट रिलीज हुआ 24-36 आवर, अगर उसका काउंटर पार्ट फीमेल गैमिट आ गया फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वरना जैसे हम लोग आए हैं तो हम लोग का भी लाइफ स्पैन है, आए हैं तो जाएंगे भी जरूर, तो फीमेल गैमिट बना है, अगर उसका विद इन 24-36 आवर मीटिंग हो गई मेल से, मेल गैमिट से, तो भैया हो जाएगा फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी होने के चांस हो जाएंगे, जाइगोट जाके अगर इम्प्लांट हो गया प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर नहीं हुआ 24 से 36 घंटे तो भैया अजर अमर नहीं है, फीमेल गैमिट ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले मासिक धर्म में जब फीमेल गैमिट रिलीज होगा तब फर्टिलाइजेशन होने के चांस बनेंगे। आइए ये हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस एक टॉपिक पढ़ लिया, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल, हेड नेक मिडिल पीस टेल, हेड नेक मिडिल पीस टेल, दिस इज द हेड और दिस इज द कैप ऑफ द हेड, कैप ऑफ द हेड इज एक्रोसोम फॉर्म बाय द गोल्जी बॉडी, ये कैप है, ये हेड है, ये हेड है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, मिडिल पीस में आपको ये जो दिख रहा है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लेना, और ये होती है टेल, ये इसके स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कितने पार्ट है, हेड नेक मिडिल पीस और टेल, हेड में हैप्लॉयड न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटीरियल है हैप्लॉयड, नेक
थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, उसके बाद मिडिल पीस, मिडिल पीस में स्पाइरल माइट्रोकॉन्ड्रिया और लॉट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. तो व्हाट इज द नीड ऑफ सच माइट्रोकॉन्ड्रिया टू बी प्रेजेंट इन अ स्पर्म, बिकॉज स्पर्म की मोर्टेलिटी आगे हम देखेंगे. मोबाइल होगा स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जब ये एंटर होगा वेजाइना में, इंसेमिनेट किया, इजैकुलेट किया मेल पार्टनर ने, अब उसको पहुंचना कहाँ है, आपका दरिया तैर के जाना वाला टाइप, उसको पहुंचना है एम्पुला स्टमक जंक्शन पे. तो वहाँ तक ही ये शुरू में तो इसको यूटेरस के मस्कुलेचर के कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करेंगे टू राइज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद ये अपनी विग्रस मूवमेंट ऑफ टेल के द्वारा स्विम करता कह लीजिए पहुँचेगा कहाँ पे, जहाँ पे फीमेल इसका वेट कर रही है. तो आपने पिक्चर अगर देखी हो मन मन पिक्चर में, आमिर खान और मनीषा कोइराला तय करते हैं जी हम 15 अगस्त या 26 जनवरी डेट की हम लाल बंगले लाल किले पे मिलेंगे. तो एक मीटिंग पॉइंट, वैसे ही मीटिंग पॉइंट इनका है एम्पुला स्टमक जंक्शन फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का. मेल गैमीट को पहुँचना कहाँ पे है, मीटिंग पॉइंट पे, लाल किले मतलब वो एम्पुला स्टमक जंक्शन पे. तो इसको वहाँ तक जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको विग्रस बीट करना है टेल को ताकि ये आगे जा सके. तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन, माइट्रोकॉन्ड्रिया. अब जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लेना, कान खोल के और कान में तेल डाल के. मेल स्पर्म जाइगोट में केवल उसका हेड जाता है, केवल जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करता है. तो माइट्रोकॉन्ड्रिया ये मिडिल पीस बाहर रह जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया मेल स्पर्म से जाइगोट में नहीं जाएंगे. माइट्रोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस केवल फीमेल से होता है, इसीलिए उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो जब आप लोग वो पढ़ोगे मेंडेलियन करेक्टर, और कोई करेक्टर अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया के डीएनए से गवर्न हो रहा है तो मदर से तो वो फीमेल में भी जाएगा और मदर से वो सन में भी जाएगा, डॉटर से भी सन में भी. लेकिन अगर अगर वो कैरेक्टर जिस कैरेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए से गवर्न हो रहा है, तो सन जो बना जब उसके आगे बच्चे होंगे, भले ग्रैंड सन हो भले ग्रैंड डॉटर हो, उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. समझ में आई बात, मतलब मेल से माइट्रोकॉन्ड्रिया आगे जाएगा नहीं, तो बच्चों को जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा माइट्रोकॉन्ड्रिया का हमेशा मदर से मिलेगा. तो माइट्रोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो है मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाता है. मदर से तो जा सकता है बच्चों में, लेकिन बच्चे आगे सन उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो सन में ही रह जाएगा. और जो डॉटर बनेगी, अब उसकी जब नानी बनने जा रही है, डॉटर की जब फीमेल की डॉटर हुई, अब वो डॉटर जब अपने मेल पार्टनर के साथ मेटिंग हुई और डाइगोट बना, जो बच्चा होने जा रहा भले वो मेल हो भले वो फीमेल हो, उसमें चला जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रियल कैरेक्टर. माइट्रोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस केवल ओवम के द्वारा होता है, मैं कहना ये चाहता हूँ. समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई तो आगे एक इसका क्वेश्चन है फ्रेम किया हुआ, तो उससे आप समझ जाओगे. तो हेड नेक मिडिल पीस टेल, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पूरी बॉडी स्पर्म की एनवलप कर रखी है. द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. स्पर्म के हेड में क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एन सीरीज है. द स्पर्म हेड कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम. और इसका इंटीरियर पोर्शन हेड का किससे कवर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम. एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी. द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स, एक्रोसोम में एंजाइम्स है दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. इसमें आपके क्या है, स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम्स हैं जो ओवम के चारों तरफ जोना पेलुसिडा हो, करोना रेडिएटा हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, उनको लिसिस करके भाई चक्रव्यूह भेद के अंदर जाना, तो उसको उसने लिसिस करने में ये स्पर्म लाइसिन काम आते हैं. स्पर्म लाइसिन कहाँ, यहाँ एक्रोसोम में. और ये एक्रोसोम ने क्या बना दिया, कैप लाइक स्ट्रक्चर. किस पर बना दी, हेड पर. ओके, इतनी बात समझ में आई, तो स्पर्म की ये आपके जानकारी हो गई स्ट्रक्चर की. चलिए आगे चले, द मिडिल पीस, मिडिल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइट्रोकॉन्ड्रिया. मिडिल पीस में खूब सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया हैं और ये स्पाइरल ऐसे हैं. विच प्रोवाइड्स एनर्जी, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, जो मूवमेंट करने के लिए इसके बीट के लिए, बीटिंग के लिए टेल के एनर्जी देते हैं, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, और जो स्पर्म के आगे बढ़ने में
वीर तुम आगे बढ़ो, इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल है, उसके लिए ये एनर्जी देता है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स नियर अबाउट 200 to 300 million। बहुत ध्यान से देखिए, ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स, एक बार के इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल के सीमेन में कितने स्पर्म है? 200 to 300 million ऑफ स्पर्म्स। मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो ये इतने स्पर्म्स हैं। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी इसने एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट किए हैं। और मेल फर्टाइल हो मतलब वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो, बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो उसने 200 से 300 मिलियन स्पर्म इंसेमिनेट कर दिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उनमें से 60% स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज। तो 60% 200 to 300 million के 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और एटलीस्ट 40% ऑफ दम मस्ट शो द विग्रस मोर्टेलिटी, और 40% ऐसे होने चाहिए जो जोरदार तरीके से आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तभी तो किला फतह कर पाएंगे। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्रिब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। स्पर्म जो सेमिनिफरस ट्रिब्यूल ने रिलीज किए हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन किसने किया? एसेसरी डक्ट्स ने। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वाज डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि वो पूछेगा कि किनका सिक्रीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, द सिक्रीशन ऑफ विच एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स आर इसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि सिक्रीशन किन डक्ट्स और ग्लैंड्स का सिक्रीशन स्पर्म को मैच्योरेशन मैच्योर होने में और मोर्टेलिटी में हेल्प करता है। तो योर आंसर इज एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट रख लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। EVM का बड़ा आजकल आप पढ़ते होंगे, EVM, तो EVSP हो गया है, M की जगह SP आ गया है, M नहीं आया, EVSP। Epididymis was difference, seminal vesicle and prostate for maturation, क्योंकि M maturation ने ले लिया, mortality ने ले लिया, तो EVM का M maturation और mortality के लिए निकल गया यहाँ से। Epididymis was difference और उसकी जगह SP, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट का सिक्रीशन जो है ये हेल्पफुल है या जरूरी है कहिए मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। द सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड जो सिक्रीट किया किसने? तीन हमारे एसेसरी ग्लैंड्स ने, कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रा, इनका सिक्रीशन कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा। और जब उसमें स्पर्म मिल गए तो इसने बना दिया सीमन। सेमाइनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट, सेमाइनल प्लाज्मा कंट्रीब्यूट कर रहा 60 to 65%, प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा 25 to 30%, और ये बन रहा क्या? सेमाइनल प्लाज्मा। फ्लूइड डिस्चार्ज जो फ्लूइड सिक्रीशन कहिए अलॉन्ग विद स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। मेल एसेसरी डक्ट्स और मेल एसेसरी ग्लैंड्स के फंक्शन को मेंटेन कौन कर रहा है? टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिस से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन से क्रिएट कर रहा था? लेडिंग सेल्स। किसके इन्फ्लुएंस से एंड्रोजन से क्रिएट हो रहे थे? लूटिनाइजिंग हार्मोन। लूटिनाइजिंग हार्मोन ने किस पे काम किया? लीडिंग सेल्स पे। लीडिंग सेल्स ने क्या सिक्रिएट किया? एंड्रोजन। लूटिनाइजिंग हार्मोन किसने सिक्रिएट किया? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। किसके इन्फ्लुएंस से? GnRH के इन्फ्लुएंस से। GnRH क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सिक्रीट किसने किया? हाइपोथैलेमस। कब इसका सिक्रीशन बढ़ा? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज आई, हाइपोथैलेमस ने इसका सिक्रीशन रेज किया, उसने किया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, उसने रिलीज किया FSH और LH, LH ने किया लीडिंग सेल्स पे, और लीडिंग सेल्स से रिलीज कराया एंड्रोजन। एंड्रोजन ने क्या काम करना? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर एंड
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इन्हांस करना है, उसको इन्फ्लुएंस करना है। साथ के साथ एंड्रोजन क्या कर रहा है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के फंक्शनिंग को मेंटेन कर रहा है और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, आगे चलूं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ, देख लीजिए। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो टू इंक्रीज इन साइज, क्या इंक्रीज साइज करने के लिए माइटोटिक डिवीजन करता है, आंसर हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन। अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नीट 2018 में आया है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, तो स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैच्योर स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। ये था हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या था, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ द, तो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहा है, यही ठीक है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड नहीं फॉर्म हुए, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन मैच्यूरेशन हुआ है स्पर्म में, ये नहीं है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स रिलीज नहीं होते भैया, बनते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, स्पर्मेटोजोआ तो बन चुके भैया, स्पर्मियोजेनेसिस वाइल इन स्पर्मिएशन फॉर्म स्पर्मेटिड आर, तो आपका आंसर क्या, आपका आंसर है ए, स्पर्मियोजेनेसिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, वेयर एज स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस है ट्रांसफॉर्मेशन और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्म, एंड स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज होना। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए ठीक है जी। आइए आगे चले। Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? Diploid कौन सी होंगी, स्पर्मेटोगोनिया diploid है, second polar body or primary polar body oogenesis में बनता है, वो तो अभी हम लोगों ने देखा ही नहीं, second polar body और primary polar body हालांकि वो haploid होते हैं, spermatid haploid होंगे, क्योंकि आप याद करिए स्पर्मेटोगोनिया जो हम लोग पढ़ के आए हैं, स्पर्मेटोगोनियम ये डिवाइड होते चलेगा ये सेल, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा था, टू एंड था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन, और यहाँ पे ये दो अलग रंग की सेल्स बना दूँ मैं, तो ये अलग रंग की सेल्स जो हैं ये कैसी हैं, ये है अब हमारी हैप्लॉइड, और ये फर्दर इनमें होगा मियोसिस डिवीजन और बन जाएंगे हमारे क्या, अब एक अलग सेल और बन गई जो कि क्या है भाई, क्या है, ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये है स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड से बन जाएगा मैच्योर स्पर्म, जिसका कि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं, हेड नेक मिडिल पीस टेल। ओके जी, तो आपका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं, योर आंसर शुड बी स्पर्मेटोगोनिया। ओके चलिए आगे चलें। नीट 2015 का ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी किया, आगे देखिए अब नीट 2013 का क्वेश्चन है, वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, तो स्पर्मेटोजोआ हमारा सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, कौन सा मिल रहा है यहाँ, तो स्पर्मेटोगोनिया, इसको तो हटाई दीजिए, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, दिस इज द राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यहाँ पे कह रहा ऑप्शन नंबर डी, फिर से देख लेते हैं कहाँ पे हमने गड़बड़ किया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ है, सॉरी, हाँ देखिए ठीक है, डी, सॉरी बी नहीं, डी, स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेट्रिड, फिर स्पर्मेटोजोवा। कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? सॉरी माफ़ करिएगा, अभी मैंने बी बोल दिया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ओके, ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो आप भी वहाँ पे एक्साइटेड ना होइएगा, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन आ रहा, एक्साइटेड ना होइएगा, नर्व्स पे अपनी कंट्रोल रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लगी? नीट 2013 का क्वेश्चन है, नियर अबाउट 15 सेकेंड्स। और यही आपको एक्सपेक्टेशन है कि 180 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस, मींस 1 मिनट पर क्वेश्चन। लेकिन अगर आप बायो के क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं कर पाओगे। तो बायो का क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड्स में सॉल्व करना है। 90 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप 10 टू 15 सेकेंड में कर लोगे, और बाकी के 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको नियर अबाउट 1 मिनट लगेगा। तो ऑन एन एवरेज आप करीब 30 टू 40 मिनट की एवरेज ले आओगे, स्ट्राइक रेट अपना ले आओगे बायोलॉजी के लिए। अगर आप स्पीड से काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आज से 2 महीने हैं, आपने करना क्या है, रोज़ बायो के कम से कम 150 टू 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ लेके चलना, उसके लिए आप वो प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट को अपने समझिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल इन रिस्पेक्ट टू द वायबिलिटी ऑफ ममेलियन स्पर्म? वायबिलिटी, ममेलियन स्पर्म विल वायबल ओनली अप टू द 24 आवर्स, द स्पर्म कैन स्टे वायबल फॉर द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म डिपेंड्स ऑन द pH ऑफ द मीडियम एंड मोर एक्टिव इन द एल्कलाइन मीडियम। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटर्मिन बाई इट्स मोटिलिटी, स्पर्म मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन। फॉल्स पूछा है उसने, तो ये तीनों ही सही हैं। ये वाला रिमेन वायबल 24 to 48 आवर्स है, तो ये 24 आवर्स इसलिए नहीं। द स्पर्म कैन स्टे वायबल फॉर सेवरल डे, नॉट जस्ट फॉर 24 आवर। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और मेल, ठीक है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक लिखा होता तो 24 to 40, और मेल के केस में तो कई दिनों तक वो सर वहीं फंसाए रहेंगे। द स्पर्म कैन स्टे वायबल फॉर सेवरल डेज, इसलिए हम कह सकते हैं स्पर्म कैन रिमेन वायबल फॉर सेवरल डेज, अगर वो भी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही है, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं ना मेंशन किया कि वो रिलीज होने के बाद कि रिलीज होने से पहले। बाकी के सारी बातें, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, बाकी की सारी बातें ठीक है। सर्वाइवल स्पर्म डिपेंड ऑन द pH ऑफ द मीडियम, और एल्कलाइन में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक बात है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म, वायबिलिटी स्पर्म काम करने लायक है कि नहीं, उसकी मोर्टेलिटी से हम लोगों ने देखा कि भाई 200 to 300 मिलियन रिलीज हो रहे हैं, और उसमें भी अगर फर्टाइल होना चाहिए तो 40% विग्रस मोर्टेलिटी दिखाएं, ठीक बात है। स्पर्म शुड बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, स्पर्म इजैकुलेट जब आप करते हो तो आप देखिए वो थिक सस्पेंशन का होता है, क्योंकि कोएगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, कोएगुलेशन हो जाता है, थिक हो जाता है, इसलिए स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। ओके, चलिए आगे चलें। स्पर्म्स आर सिनोनिम विद, ये बात हुई थी, स्पर्मेटोजोआ है ना, ये है, चलिए आगे चले। इज अ लिटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म हाइलुरोनिडेज, ये भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो स्पर्म लाइसिन, जो हमारे हेड के, स्पर्म के हेड के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म लाइसिन है, उसमें हाइलुरोनिडेज होता है एंजाइम, जो लिटिक एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक, आगे चलिए। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म इज अ कंडीशन वेयर, तो हम लोग जानते हैं मेल के केस में इस पर ये टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाएंगे और सक्रोटम में होंगे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द टू लेग्स, तो सक्रोटम में उतर आए हैं ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, और इसको अगर ये नहीं उतरेंगे तो टेस्टिस रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, अगर टेस्टिस का डिसेंड नहीं हुआ, नीचे नहीं उतरे, तो टेस्टिस विल रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एंड दैट इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो का मतलब है छुपा हुआ, हिडन, क्रिप्ट हिडन ऑर्किडिज्म, ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब हिडन टेस्टिस, छुपे हुए टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गए, उनका डिसेंड नहीं हो पाया। तो वन ऑफ द बोथ टेस्टिस नॉट डेवलप, वन ऑफ बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द सक्रोटम, यू शुड गो विद द
कि फेल टू डिसेंड टू द सेक्रोटम है, ठीक है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस रिलीज करता है। आगे चलिए, स्पर्मेटोगोनिया इज फॉर्म्ड आफ्टर विच सेल डिवीजन, स्पर्मेटोगोनिया का जो बन रहा है किस तरह के, तो स्पर्मेटोगोनियम अपना नंबर किससे बढ़ाते हैं, माइटोसिस से। स्पर्मेटोगोनियम इज अ डिप्लॉयड मेल जर्म सेल फॉर्म्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। स्पर्मेटोगोनिया का नंबर किस डिवीजन से बढ़ता है, स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी। मियोसिस किस में होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी माइटोसिस। 2N इज इक्वल टू 16, हम लोग बताते हैं 2N ह्यूमन बींग के केस में 46 है, कंटेनिंग 2 इज इन अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज द मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट अभी आपने समझा नहीं है। वैसे चलिए देख लेते हैं, जब ये क्रोमोसोम डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम ये शेप ले लेता है, और एस फेज में प्रायर टू सेल डिवीजन इंटरफेज की एस फेज में ये अपना सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है, डुप्लीकेशन हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। अब ये देखिए कह रहा है 2N इज इक्वल टू 16, तो 16 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, मेटाफेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एंटर हो गए, व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे हाफ, 8, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 8 हो गए, लेकिन हर क्रोमोसोम इस समय डुप्लीकेटेड है, सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पे, सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड एक दूसरे का सिस्टर क्रोमेटिड है। होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग अलग हो गए मियोसिस वन जब कंप्लीट हुआ, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस वन कंप्लीट हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग अलग हो गए, 16 के हो गए 8, लेकिन हर क्रोमोसोम पे इस समय 2 क्रोमेटिड है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना होगा, डबल कर लीजिए 8 का फिर से 16। आई बात समझ में, 8 क्रोमोसोम होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में और हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है, इसलिए नंबर कितना हो जाएगा क्रोमेटिड का, टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड 16 हो जाएंगे। समझ में आई बात, अरे भैया क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हुआ ये शेप, लेकिन सेल साइकिल के इंटरफेज और इंटरफेज की G1 SG2 एस फेज में इसने अपनी डुप्लीकेशन DNA डुप्लीकेशन भी तो किया, तो सेंट्रोमियर पे इसकी सिस्टर क्रोमेटिड आ गई। हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज द क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। मियोसिस वन कंप्लीट हुआ, 16 क्रोमोसोम थे, 8 आ गए एक पोल पे, 8 आ गए एक पोल पे, 8 क्रोमोसोम सेकेंडरी ओसाइट सेकेंडरी हमारी स्पर्मेटोसाइट में है, लेकिन 8 क्रोमोसोम है ना, क्रोमेटिड कितने, क्योंकि हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड 16। अब आया समझ में, नहीं आया धूप में बैठो ऑन करो। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लॉन्गेस्ट फेज क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो ये आपकी बुक में बिल्कुल भी नहीं बताया है। 3 फेज होते हैं गैमेटोजेनेसिस में, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज जब स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ा रही है, ग्रोथ फेज जब ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करके स्पर्मेटोसाइट में बदला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदला, वो फेज है ग्रोथ फेज। और मैच्यूरेशन फेज ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड होके बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड, वो है मैच्यूरेशन फेज। अब देखिए, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन फेज द जर्म सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय मियोसिस, ग्रोथ फेज मार्क बाय द इंक्रीज इन सेल साइज एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैच्यूरेशन फेज विद मियोसिस वन इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज फॉलोड बाय मियोसिस टू दैट प्रोड्यूसेस 4 स्पर्मेटिड। मैच्यूरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान दीजिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में मैच्यूरेशन फेज लॉन्गेस्ट फेज है। ये बात जो यहाँ बोल रहा हूँ आगे आपको याद दिलाऊंगा तब आपकी समझ में आएगी कि क्यों बोला था, क्यों याद रखने को। स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में मैच्यूरेशन फेज सबसे लंबा फेज है,
तीन फेज है, मल्टीप्लीकेशन जब स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ा रही, ग्रोथ जब स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफॉर्म हुई वो ग्रोथ, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन और मियोसिस टू, दैट इज द मैच्योरेशन, एंड मैच्योरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, बस इतना याद रख लीजिए। चलिए आगे, व्हाट विल हैपन टू स्पर्मेटोजोवा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, स्पर्मेटोजोवा का क्या होगा, स्पर्म विल डाई, नो डाई नहीं होगा, देयर विल नो चेंज, ऐसा नहीं है चेंज होगा, इट विल बिकम इनएक्टिव टेम्परेली, देयर विल बिकम इनएक्टिव टेम्परेली, दिस विल टेम्परेली इनएक्टिवेट द स्पर्म्स, स्पर्म्स डिपेंड ऑन द कैटाबोलिज्म ऑफ फ्रुक्टोज फॉर देयर एनर्जी, स्पर्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए और वो फ्रुक्टोज की मेटाबोलिज्म से मिलती है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टॉप बिकॉज रेस्पिरेशन इन एंजाइमेटिक ड्रिवन प्रोसेस, 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेस्पिरेशन रुक गया क्योंकि रेस्पिरेशन एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस है, एंजाइम मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये इनएक्टिव हो जाएंगे, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन याद रखना। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन नॉर्मल ह्यूमन इज 46, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है 46, आफ्टर मियोसिस इन स्पर्म प्रोडक्शन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड नंबर ऑफ रिजल्टिंग सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम मियोसिस होने के बाद कितने हो जाएंगे 23, रिजल्टेंट सेल कितनी बनेंगी 4, आंसर वुड बी 23 and 4, ई, दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ओके आई बात समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओओजेनेसिस, तो ओओजेनेसिस पढ़ा ही नहीं तो ये आपको अभी बाउंस हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, अगले लेक्चर में ओओजेनेसिस पढ़ लें तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैच्यूरेशन इन्वॉल्व्स, तो क्या था भैया, सबसे पहले था फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद ग्रोथ और उसके बाद मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन में क्या हुआ था, मैच्यूरेशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होकर स्पर्मेटिड बने थे, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस, ठीक है, तीन फेज है समझ में आई, मल्टीप्लीकेशन जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर माइटोटिकली डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज है, ग्रोथ फेज जब स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म होगा कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, वो फेज ग्रोथ फेज है, मैच्यूरेशन फेज जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन मियोसिस टू डिवीजन होगा और बनेगा क्या स्पर्मेटिड, उसको हम बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज, ओके आगे चलूं। इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कहीं ऑप्शन दिया, ये दिया बी आंसर ऑप्शन बी, देखा ऐसे होता है 2 मिनट में क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस इनिबिन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस इनिबिन टू कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, इनिबिन कौन रिलीज करता है, इनिबिन इज सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको उठा लीजिए, मेरे इसको लेक्चर को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भजिए, भजिए मतलब रटिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के बाहर का, इनिबिन इज सिक्रेटेड बाय द सस्टेंटाकुलर सेल्स, एक तो सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम याद रख लीजिए यहाँ से सस्टेंटाकुलर सेल्स, द मेजर एक्शन इज निगेटिव फीडबैक टू द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी FSH सिक्रीशन, FSH के सिक्रीशन को रोकने के लिए इनिबिन सिक्रेट किया जाता है, इनिबिन पिट्यूटरी FSH के सिक्रीशन को निगेटिव फीडबैक देगा, उसको रोकेगा, कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग इनिबिन, एंड्रोजन का नंबर बढ़ा भाई, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिलीज होने किससे, लीडिंग सेल से, और अगर इसका सिक्रीशन बढ़ा जरूरत से ज़्यादा तो इसका सिक्रीशन हाई सिक्रीशन विल इन्फ्लुएंस द सर्टोली सेल्स टू सिक्रीट इनिबिन एंड इनिबिन इन टर्न FSH का सिक्रीशन रोकेगा, तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। FSHLH कौन सिक्रीट कर रहा था, FSHLH सिक्रीट कर रहा एंटीरियर पिट्यूटरी, FSH ने किस पे किया था, सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल से क्या सिक्रीट कराया था, सर्टोली सेल से उसने सिक्रीट कराया था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और साथ के साथ ये स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा, स्टिमुलेट कर रहा, साथ के साथ लास्ट स्टेप को इस पर मियोजेनेसिस को ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा। अब जरूरत से ज़्यादा एंड्रोजन बन गए तो एंड्रोजन
लीडिंग सेल से क्या सिक्रेट करवाएंगे, सर्टोली सेल से, सॉरी एंड्रोजन सर्टोली सेल से क्या सिक्रेट कराएंगे, इनिबिन। और इनिबिन नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, पिट्यूटरी को, कि FSH का सिक्रीशन रोको भाई, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा और नीचे बहुत ज़्यादा एंड्रोजन बन रहा। तो FSH का सिक्रीशन रोका जाएगा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है, तो काटे बाटे श्वान के दुहू भाती विपरीत ना आती कि कोई भी चीज़ अति अच्छी नहीं होती, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। एंड्रोजन का सिक्रीशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो उसको कंट्रोल करने का तरीका इनिबिन है। दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कौन सिक्रीट कर रहा है इनिबिन, सस्टेंटाकुलर सेल्स, दैट इज द सर्टोली सेल्स का ही दूसरा नाम SS. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया से अलग है साइज एंड वॉल्यूम। साइज भाई ग्रोथ फेस था ना, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद ग्रोथ, ग्रोथ हो गई तो ट्रांसफॉर्म होता है तो साइज और वॉल्यूम बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर गो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड जाता है, स्पर्मेटिड का स्पर्मियोजेनेसिस से बनता है मैच्योर स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटिड मैच्योर्स इनटू स्पर्म। इसका आंसर सी, इसका आंसर ए। ओके, तो यहाँ पे आके ख़त्म हुआ हमारा क्या, यहाँ पे आके ख़त्म हुआ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओवोजेनेसिस, ठीक है। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, जो अभी भी पढ़ा वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, बहुत स्पीड में हम लोग हर नियर अबाउट, आप समझो नेक्स्ट 60 डेज में आपको 90 टॉपिक्स मिलेंगे और साथ में उसके MCQ भी मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह जो भी है, मतलब पूरे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नियर अबाउट 90 टॉपिक के आपको लेक्चर विद MCQ मिलने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो बेल आइकन को आप हिट करिए, चैनल का सब्सक्राइब करा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत जल्दी सीरीज आने वाली है आपकी मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट भी अपलोड होंगे चैनल पे, 7 to 10 मॉक टेस्ट का अपलोड आपको किया जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।